पावन पवित्र तीर्थ क्षेत्र हस्तिनापुर के श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर के भव्य त्रिमूर्ति जिनालय में विराजमान भगवान शांतिनाथ की भूगर्भ से प्राप्त बहु प्राचीन मनोज्ञ अतिशयकारी मनोकामना पूर्ण जिन प्रतिमा के सामने 40 दिवसीय शांतिनाथ विधान भक्ति श्रद्धा के साथ चल रहा है। इस अनुष्ठान में समस्त भारत वर्ष से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु सम्मिलित हो रहे हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण, दिग वंदन, पात्र शुद्धि, भूमि शुद्धि, सकलीकरण की क्रियाओं सहित जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक हुआ। भगवती श्रीमती पवित्र तरजलेन आज विधान के तीसरे दिन 7 मई 2023 को शांतिधारा करने का सौभाग्य श्री सलील जैन, मधु जैन, लवली जैन, सिद्धार्थ जैन, मानविक जैन, अविष्का जैन देहरादून को प्राप्त हुआ। शांतिधारा में सहयोग विधान संयोजक विजय कुमार जैन बैंक वालों ने किया। आचार्य श्री 108 भारत भूषण जी महाराज ने शांतिधारा के महामंत्रों का वाचन करते हुए सर्व जगत की शांति के लिए अखंड शांतिधारा कराई। धारा करता पुण्याजक परिवार से श्रीमान राजेंद्र जी जैन, अक्षय जी जैन, सागर मध्य प्रदेश निवासी, सह परिवार से श्रीमान जितेंद्र जी जैन, आदिक जैन पुष्पांजलि, दिल्ली निवासी, सह परिवार से श्रीमान सुरेंद्र जी जैन, सुपरटेक मेरठ निवासी, सह परिवार से श्रीमान मनीष जी जैन, फरीदाबाद निवासी, सह परिवार से श्रीमान अतिशय जैन, साहिबाबाद निवासी, सह परिवार से श्री कुमारी भावनी जैन, सुपुत्री श्री आलोक जी जैन, नरेंद्र सिंह जैन, कुसुम जी जैन, सब्जी मंडी दिल्ली निवासी, सह परिवार से श्रीमान निर्वाण जैन, विभूर जी जैन, भारती जैन, बागपत निवासी, सह परिवार से अतिशय जैन, साहिबाबाद निवासी, सह परिवार से मुकेश जी जैन, अभिषेक जैन, दिल्ली निवासी, अनायसा जी के जन्मदिन पर आकाश जैन, सुभि जैन, शंभू नगर मेरठ, सह परिवार श्री प्रवीण जैन, शिखा जैन, आयु जैन, आकांक्षा जैन, अंसारी रोड दिल्ली, सह परिवार श्री रविचंद जैन, बाराबंकी निवासी श्री रमेश जैन, संतोष जैन की शादी की वर्षगांठ पर नोएडा निवासी, सह परिवार। तीर्थ क्षेत्र के सदस्य व विधान संयोजक विजय कुमार जैन बैंक वालों ने सभी भक्तों का मंगल तिलक व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। जगत के पालनिहारी भगवती पवित जले जिन्नी अभिषेकिया स्वामा। सिद्धेभ्यः श्रीवीतिरागाय नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सौवसाहूढं। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। ओम रीम तिलोके शिरोमणि अनंति विभूति से युक्त रघंति बरमेटिने श्री प्रातियारे मध्ये क्षेत्रत्रयम् स्थापयामि। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, अपने बड़े बाबा को मनाते जाइए। तदुपरांत नित्य नियम संगीतमय पूजन किया गया। श्री शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है, आनंद पार है, भक्ति का प्रसार है। आदिनाथ भगवान की आरती बारंबार है, आनंद बेड़ा पार। जय हो।
40 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान के तीसरे दिन 120 परिवारों द्वारा विधान किया गया। चतुश्याम जन्म मंगल प्राप्त है श्री शांति नागिनेन्द्राय नमः अर्घं रूपाणी। ध्यान लगाया कर्मों को नाच नचाया, जब गाते गाते अभागे तब केवल ज्ञान को पागे, फिर प्रभु उपदेश सुनाया भव जीव धर्म से लागे, जब गिर संवेद पे पहुँचे तब योग निरोध कराया, सब कर्म नाश कर दीने फिर मोक्ष धर्म सुख भव। हे मन बचले पारसनाथ उमरिया रह गई थोड़ी। रावण के महल के अंतर्गत और किसी दूसरे भगवान का मंदिर नहीं था, उनके महल में शांतनाथ भगवान का ही जिनालय था और शांतनाथ भगवान के परम भक्त थे। जिस समय रावण भगवान की पूजा अर्चना करते थे उस समय वो ये भूल जाते थे कि मैं एक राजा हूं, उनके अंदर यही भाव रहते थे कि मैं एक भक्त हूं। जैसे कि आजकल रावण को पूरा पूरा फल मिला, लेकिन क्या है कि रावण अपने जीवन काल में कभी संवे शिखर की यात्रा नहीं कर पाए। शांतिनाथ की शरण में आया अपने कष्ट मिटाने को, शांति विधान रचाऊं मैं तो मोक्ष महाफल पाने को। नित्य ज्ञान में शुद्ध समय ज्ञान नाते सन्नाताई अर्घन नामी दी। इस कार्यक्रम में श्री नरेंद्र सिंह जैन, श्रीमती कमला जैन हस्तिनापुर, चक्रेश जैन, अजय जैन, पीयूष जैन, पंकज, विनोद जैन, सुरेश जैन, सलिल जैन, सुशील जैन, राम भूल जैन, सुशीला जैन, अंजू जैन, जिनेन्द्र, अंकुर, अंकिता जैन आदि आदि अनेक भक्तों ने जिनेन्द्र भगवान की अष्ट द्रव्यमयी पूजन किया। ओम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रकारकाय पंच परमेष्टी पद प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय प्रथम बले मध्य पुणर्गम्यप्रामिदी। ओम ह्रीं सर्व विघ्न विनाशक दर्शन आराधनायै श्री शांतिनाथाय नमार्गम्यप्रामिदी स्वाहा। तेरा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है, द्वितीय बले मध्य पुणर्घम निर्विभामिति श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निभामिति। ओम ह्रीं तीर्थंकर प्रप्राप्ति मार्ग प्रभावना भावना विभूषे श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामति। ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, मेरे मन के मंदिर में एक बार खिलो तो जानो। इस अनुष्ठान के विधानाचार्य पंडित आशीष जैन शास्त्री ने मंत्रोच्चार पूर्वक विधि विधान की क्रियाएं कराई। ओम आत्म वैभव प्राप्तार्थम पुष्प वृष्टि प्रातिहार विभूषे श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामते। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः तृतीय बले मध्ये पुणर्घम निभामे दी अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि विभूषे शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः ऐरी गम निभामे दी।
ओम इम प्रतिवाद विद्या विनाशन समर्थ प्रत्येक बुद्धि रिद्धि विभूषण श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र गमनर पामती स्वाहा। तप्त तप रिद्धि विभूषण श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र गमनर पामती शांतिनाथ जिनेन्द्र गमनर पामती स्वाहा। ओम इम समस्त दान अंतराय कर्म विनाशन समर्थ अक्षीण महानस रिद्धि विभूषण श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र गमनर पामती स्वाहा। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनर्गम्यामिति सत्येक विंशति गुण विभूषे शांतिनाजिनेन्द्राय नमः। अर्घम पुनर्गम महार्घम्यामिति। आज बड़ा सौभाग्य के दिन है कि आज हमारे बीच सरदना मेट के प्रमुख व्यवसायी श्री कमल सेन कमल जैन श्री प्रभात जी जैन छत्तीस जी जैन सरदना रामचंद्र जैन पधारे हुए हैं। आज ये इन्होंने पाठ भी किया है और पाठ में सम्मिलित होकर बहुत धर्मलाभ उठाया। मैं आपसे इनसे निवेदन करता हूँ कि पाठ के बारे में मंदिर जी के बारे में और जो 18 तारीख को हमारा विशेष कार्यक्रम है भगवान शांतिनाथ का निर्वाण महोत्सव उसमें अपने विचार रखें। श्री कमल जी, आज हम यहाँ हस्तिनापुर में मंदिर में आए और यहाँ पे हमने शांतिनाथ भगवान की कुंतनाथ भगवान की अरेनाथ भगवान की सब प्रतिमा का सबका वो किया, हमने दर्शन किया है और जी मुकेश जी ने हमें बताया कि यहाँ पे पाठ चल रहा है और 18 तारीख में यहाँ पे शांतिनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव है और पांडुक शिला जो नई बनी है उसका शिलान्यास है। तो हमें यह सुनकर बड़ी खुशी हुई है कि ये सब कार्य यहाँ पे हो रहा है। हस्तिनापुर तो बहुत हमारी तीर्थ नगरी है और सबको हमें भगवान सब आशीर्वाद दे सबको। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सब बहुत ही अच्छे तरीके से मुकेश जी यहाँ पे जो प्रबंध कारिणी में भी है और ये यहाँ पे सारा कार्य देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से यहाँ का कार्य देख रहे हैं। और मैं मुकेश जी से भी वो करता हूँ कि मुकेश जी को भी हमारे सरदने के निवासी है, ये हम सरदने के रहने वाले हैं और इन्होंने यहाँ पे आके हस्तिनापुर में काफ़ी वर्क किया है तो बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को मिलकर। हस्तिनापुर का इतिहास वैसे तो 5200 साल पुराना है पर हमारे मंदिर का दिगंबर जैन मंदिर का इतिहास भी बहुत पुराना है और यहाँ पहले बहुत पहले पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान थी, उसके बाद शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है। यहाँ पाठ का कार्यक्रम चल रहा है जो बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही एक अच्छे अलग ढंग से पाठ हो रहा है और जितने भी धर्म लाभ लेने वाले हैं वो धर्म का लाभ ले रहे हैं। और जो 18 तारीख को विशेष प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मुकेश जैन की और यहाँ की कमेटी की वजह से बहुत अच्छे से संपन्न होगा। मुकेश जी हमारे सरधने के मूल निवासी हैं, हम भी सरधने के मूल निवासी हैं। इन्होंने मंदिर में 4 चांद लगाए हैं और बहुत अच्छे से सुचारू रूप से सब काम बहुत अच्छे से हो रहा है। जैसे यहाँ भोजनशाला बहुत ही प्रसिद्ध भोजनशाला है, बहुत ही घर से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ भोजन का प्रबंध यहाँ मुकेश जी के नेतृत्व में चल रहा है और मंदिर का कार्य भी आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सब मुकेश जी के नेतृत्व में चल रहा है। श्री धर्मचंद जी से भी कहूँगा कि वे अपने दो मिनट विचार रखें। हमारी हस्तिनापुर नगरी बहुत साल पुरानी है और यहाँ पर हमारे 5-5 कल्याणक हुए हैं भगवानों के, 5-5 भगवानों की जन्म स्थली है और मुझे यहाँ आकर आज अति अपार हर्ष हो रहा है क्योंकि आचार्य भारत भूषण जी महाराज के सानिध्य में 40 दिन का पाठ थपा हुआ है। हमारे मुकेश जी प्रबंध कार्यकारिणी समिति के प्रबंधक हैं, ये यहाँ पर बहुत सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, बहुत सालों से ये अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। पीछे मंदिर में पूरा अंदर वेदी में बहुत पूरा बदल दिया गया है वेदी को और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से स्वर्ण कार्य हुआ है। मैं इनकी बहुत बहुत दिल से कामना करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आगे भी इसी तरह यहाँ कार्य चलता रहे और बस आगे आज जो है आने पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। धन्यवाद। चंदन की वृक्ष के समीप यदि लोहे की कुलाड़ी भी पहुंचती है
तो वो लोहे की कुलाड़ी भी क्या हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। ऐसे ही हस्तिनापुर की ये पावन धरा, जहां का कण कण किससे पवित्र है, तीर्थंकर एवं मोक्षगामी जीवों से यहाँ का कण कण पवित्र है। और जो भी व्यक्ति इस धरा पर एक बार यदि आ जाता है और शांतिनाथ भगवान की उस बीत राग में छवि के निकट पहुंच जाता है, तो उसके जीवन में भी क्या आ जाती है, चमक, सुगंधी, आत्मिक शांति आ जाती है। बाहर की सारी उलझनों से उसे क्या हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। संध्याकालीन मेला में संगीतमय महाआरती संगीत की मधुर ध्वनि के साथ की गई, जिसमें आरती का दीप प्रज्वलन सुशील जैन राम भूल जैन ने किया, जिसमें भक्तगण जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करते हुए झूमते रहते हैं। बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। यह विधि मंगल आरती की जे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में धार्मिक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके पुरस्कार श्रीमती हीरा जैन दिल्ली द्वारा प्रदत्त किए गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जीवेंद्र कुमार जैन गाजियाबाद, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन गैस वाले मवाना, मंत्री राजीव जैन मानसरोवर मेरठ, मंत्री राजीव जैन सहारनपुर, अनिल जैन मेरठ, विनय कुमार जैन मवाना, संजय जैन दिल्ली, उमेश जैन मेरठ, अतुल जैन मेरठ आदि समस्त पदाधिकारी गणों का सहयोग मिल रहा है। श्री मुकेश जैन महाप्रबंधक, अशोक जैन, अतुल जैन, कमल जैन, उमेश जैन, गुरमीत, अनुपम, सुदर्शन, नवनीत जैन, आदर्श जैन, दीपांशु जैन आदि सभी का सहयोग रहा। भवदीय मुकेश कुमार जैन महाप्रबंधक, श्री दिगम्बर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर हस्तिनापुर मेरठ।